का बिना नाम जप करिए खुलेगा ही नहीं, चाहे जितना उपाय कर लो। तुम रुपया जमा कर सकते हो, तुम बड़े भारी पदाधिकारी हो सकते हो, तुम बढ़िया मकान बना सकते हो, तुम महंगी गाड़ी खरीद सकते हो, चार लोग तुम्हारी वाह वाह करेंगे, लेकिन आयु पूरी होने के बाद ना मकान जाएगा, ना गाड़ी जाएगी, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना पत्नी, ना पुत्र, ना परिवार और ना शरीर। अब क्या बचा आपके पास? सफलता हाथ में क्या लगी? कुछ नहीं, जीरो बटा जीरो। ईश्वर का नाम जपना सत्कर्म है, पुण्य कर्म है। ईश्वर का नाम कुकर्मों का नाश करने वाला है। जो कोई व्यक्ति भगवान नाम का भावपूर्वक जाप करता है, उसका तन एवं मन दोनों अति शुद्ध हो जाते हैं। भगवान के नाम का जप होता रहे और मन में भगवान की शिव विग्रह का ध्यान होता रहे, मन खींच जाए उधर भगवान नाम में ही, बस उसके बाद आपसे आप नाम का जप होता रहता है, रोम रोम नाम जपता रहता है, फिर करना नहीं पड़ता। मन नाम में इतना खींच जाता है कि छुड़ाए नहीं छूटता। जो अधर्म किए या जो धर्म किए, वो द्वि प्रकार के कर्म है, शुभ अशुभ कर्म, उनको जाता है और फिर भोक्तावश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब नाम जब त्रिगुणातीत है, ये शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चर है। नाम जब जितना होगा, ये शुभ अशुभ दोनों का विनाश करके भागवतिक मार्ग को प्रकाशित कर देगा। आज तक जितने भी संत महात्मा हुए, सब भजन करने वालों में ही प्रकाश हुआ है, बातें बनाने से नहीं होता। जितना जो भजन करेगा, संग महापुरुषों का भजन में रुचि, भजन में प्रेम पैदा करता है और भजन सीधे प्रभु में अनुराग पैदा करता है। भजन न सेनी प्रेम की, भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। बिना भजन के न बहु समुद्र से तरा जा सकता है और न भगवत प्रेम हो सकता है, भजन से ही होता है। वो स्वामी जी कह रहे, वारी मथे ग्रत होए बर सिकता ते बहु तेल, बिनु हरि भजन न भौतरी या सिद्धांत अपे। भजन भजन भजन। पानी के मथने से भले घी आ जाए, बालू के पेरने से तेल हो जाए, असंभव। बोले असंभव में भी संभव हो सकता है, लेकिन अगर भजन नहीं है तो भाव से नहीं तर सकता। जो परम सफलता है, लौकिक पारलौकिक आध्यात्मिक बाह्य सब सफलता नाम में छुपी हुई। जो जितना नाम जप करेगा, उतने ही परमानंद को प्राप्त होगा, पक्का। ये सब शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत बात कह रहा हूं। नाम परम धन है, परम जीवन है, परम ज्ञान है, परम पवित्र है। अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतु विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वाय और अभ्यंतर दोनों से पावन कर देगा यदि पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम चल रहा है। इसलिए नाम तो नाम, नाम के बराबर कुछ नहीं। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। स्वयं भगवान अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। अमोघ शक्ति, अपार सामर्थ, अपार सुख नाम में है। पर नाम पहले पापों को नष्ट करता है, इसलिए धैर्य पूर्वक नाम जप करे। हृदय जलेगा, मन नहीं लगेगा, गंदी बातें आएंगी नाम जप करने पर। तो आपको लगेगा पहले ऐसा नहीं आता था, नहीं आता था क्योंकि पहले स्टॉक जमा हो रहा था। अब नाम जप कर रहे हो, सब डिलीट हो रहा है, सब हट रहा है, तो तुम्हारे सामने आ रहा है। विचलित मत होना, फिर आगे देखना कितना आनंद आता है। अभ्यास कर लो, उठते बैठते चलते फिरते नाम चल रहा है, राधा राधा राधा, परमानंद का अनुभव होगा। अगर प्रभु प्राप्ति के लिए भावना तीव्र है तो प्रभु कृपा से जीवन में भक्ति जागृत हो जाती है। प्रभु के चिंतन में रस आने लग गया तो पक्का समझ जाना चाहिए कि हमारे जीवन में प्रभु कृपा हो गई है।